हेलो नमस्कार दोस्तों, 27 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेन पेज पे जो बड़ा आर्टिकल है ये एक्चुअली टर्की के बारे में है कि टर्की पे वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट साहब बने हैं तो किस तरीके से वो डेमोक्रेसी का झंडा ना गा रहे हैं और उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको पता है डिक्टेटरशिप का तानाशाही का, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बताया गया कि किस तरीके से और अदर कंट्रीज को या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये अगेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में है, तो कुछ एक दो नए पॉइंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है वाटर पोल्यूशन के बारे में आ रहा है कि यूरेनियम का जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है वाटर में, मतलब यूरेनियम की वजह से कंटेमिनेट हो रहा है वाटर, तो उसकी से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फिर सेकंड पेज पे जो बड़ा आर्टिकल है ये एक्चुअली इंटरव्यू के बारे में, तो इसमें बीजेपी और पीडीपी की बात हो की गई है, तो पूरा राजनीति का आर्टिकल है, हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है तो नहीं डिस्कस कर रहे। यहाँ पे जो आर्टिकल है भी कुछ काम का नहीं है। ये साइड का जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी दिल्ली में एक्चुअली पेड़ काटने की बात थी, तो क्या क्या इश्यूज उसे उभर के हैं, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं वो हम देखने वाले हैं। एक एक करके चिपको मूवमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो करें हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात जो की जा रही है। देखो वाटर पोल्यूशन की बात यह कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वो ग्राउंड वाटर हम लोग उसको ज्यादा यूज है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही और देखें पोल्यूशन की बात करें तो ऑर्सेनिक है वो भी लगातार पानी में बढ़ रहा है, यूरिया है वो भी पानी में लगातार कंटेमिनेट कर रही है, और सबसे लेटेस्ट जो बात अभी वो बात की जा रही है यूरेनियम की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूरेनियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और अगर ये पानी में कहीं नहीं कंटेमिनेट होता है तो उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, तो उसे हम एक करके यहाँ पे देखेंगे। अब देखो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट जब तक कोई दंगा वंगा नहीं होता है तब तक बहुत बड़े लेवल पे एक तरीके से कोई मूवमेंट नहीं होती, तब तक गवर्नमेंट क्या है आंख बंद करके सो रही होती है, और कुछ इसी तरीके का अभी देखा गया है। और एक बात यह है देखो इन्वायरमेंट के प्रति कोई भी इंसान है वो नहीं चाहता है कि यार ये हम मेरा खुद का मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट के प्रति। सब लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट है यार मेरी क्या है, अगर मैं एक बाल्टी पानी यूज नहीं करूँगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बाकी और लोग तो वेस्ट कर ही रहे हैं, ये हुआ। तो ऐसी मेंटेबिलिटी है ना कहीं जो वाटर गैसेस आप बोल सकते हो या और तरीके जो पॉल्यूशन है उनको बढ़ावा दे रही है, और इससे हमारा इन्वायरमेंट है वो लगातार डिग्रेड होता जा रहा है। अब देखो बात ऐसी की जा रही है लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, काफी बार हम न्यूज़पेपर में देखते भी हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी आ रहा है उसमें काफी गंदगी आ रही है, पीने लायक पानी नहीं है, बट फिर भी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से लोगों को वो गंदा पानी पीना पड़ता है, फिर उनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो ऑल ओवर बात क्या है कि जो टैक्स पेयर है उनका पैसा वेस्ट तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं, तो इस चीज से कोई भी लोगों को खुश नहीं है ना कुछ प्रॉब्लम ज्यादा दिखती जा रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूरेनियम का जो वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यूरेनियम जो वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, क्या क्या इसके लेवल वगैरह है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो नॉर्मली ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है तो हमने काफी बार पढ़ लिया है, आर्सेनिक के बारे में पढ़ा है, यूरिया के बारे में भी। अब बात आती है यूरेनियम की। यूरेनियम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि देखो WHO ने कुछ स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं कि भाई इतना अगर यूरेनियम है पानी में तो कोई इशू नहीं है, बट इससे ज्यादा होगा तो बड़ा इशू हो सकता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है या गाइड आप बोल सकते स्टैंडर्ड है, उनके मुताबिक एक लीटर पानी में अप्रोक्सीमेट 30 माइक्रोग्राम, ध्यान रखना है 30 माइक्रोग्राम की बात की जा रही है, मतलब एक लीटर में 30 माइक्रोग्राम यूरेनियम हो सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है उनकी, मतलब 30 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो उनकी स्टैंडर्ड है। इससे इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, अगर यूरेनियम पानी में होता है तो इससे इफेक्ट पड़ता है तो किडनी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, इसके साथ लीवर है उसको भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट है वो करती है, और लीवर ज्यादा जल्दी खराब है वो होता है। अब बात कुछ ऐसी की जा रही है जबकि अभी रिसेंटली देखा गया ना जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक पानी के अंदर लगभग 2500 माइक्रोग्राम पर लीटर यूरेनियम हो पाएगा, तो आप देख सकते हो कहाँ तो 30 और कहाँ 2500, काफी ज्यादा हो गए, और इसी डाटा को गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बता रही है। इसके बारे में देखो राइटर को कुछ फैक्ट बता रहे हैं, इसी के साथ ही राइटर का ऐसा करना है कि देखो WHO को तो फिर भी स्टैंडर्ड वगैरह तो तय कर रखा है ना उन्होंने कि 30 माइक्रोग्राम वगैरह, जबकि इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसके द्वारा तो कुछ एक्शन ही नहीं ली गई है, वो तो आंख बंद करके घोड़े बेच के सो रहा है, उसने तो ये देखा भी नहीं है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड वगैरह तय करने हैं कैसे हमें काम करना है। तो वो बात यहाँ राइटर बता रहे हैं कि देखो किस तरीके से हमारा प्रशासन है हमारी गवर्नेंस है वो आंख बंद करके आंख मूंद करके सो रही है इस मामले में। फिर थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर है उसका इशू लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात कहीं किसी भी सिटी की ले लो, इवन अर्बन एरिया की प्रॉब्लम भी कम नहीं है, अर्बन एरिया के अंदर पानी के इशू ज्यादा है, वहाँ पे लोगों को पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है, तो दूर दूर उनको जाके पानी लेना पड़ता है और वो भी काफी गंदा पानी मिलता है, तो ऐसे माहौल में लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। फिर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर देखा गया एक सर्वे में
तो वहां पे 1 लीटर पानी में लगभग 500 माइक्रोग्राम है, सॉरी यहाँ पे माइक्रोग्राम जो है यूरिनियम वो पाया गया है। तो देख सकते हो कहाँ 30 है कहाँ 500 है, जबकि बेंगलुरु का जो एक देखा गया सर्वे उसमें पाया गया 2000 माइक्रोग्राम। तो मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि WHO की जो गाइडलाइन है वो धरी की धरी रह गई है, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं ले रही है, ना ही कोई स्टेप वगैरह उठाने की कोशिश है वो यहाँ पे कर रही है, और ना ही ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है वो कोई एक्शन इस चीज पे ले रहा है, कोई स्टैंडर्ड वगैरह कोई क्राइटेरिया कोई पैमाना कुछ भी काम है उस पर नहीं कर रहा है। फिर राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जो ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो रहा है ना उसकी ऐसी बात है कि एक बार ग्राउंड वाटर अगर पोल्यूटेड हो गया तो फिर पानी लगातार पोल्यूटेड होता जाएगा। यूरेनियम है उसका केमिकल इफेक्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ये तो अभी केवल इनिशियल इफेक्ट आना शुरू हुआ है कि लोगों की किडनी वगैरह इफेक्ट होने लगी है, बट अगर जो ही यूरेनियम का रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो तत्व है इसका वो अगर वो इफेक्ट आने लग गया तो उसका इफेक्ट काफी लंबे टाइम हो सकता है, जीन में म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। तो वो काफी सारी बातें यहाँ पे बताई गई राइटर के द्वारा। देखो यूरेनियम सबसे ज्यादा मेनली किडनी और लीवर को इफेक्ट करता है, और अगर किडनी और लीवर ज्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं तो ह्यूमन के आपको पता है हेल्थ में बचेगा क्या। फिर एक सर्वे के अंदर ये चीज सामने आई है कि किडनी इफेक्ट के जो केसेस हैं इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यूरेनियम जगह जगह मिल रहा है। ये देखो एक सर्वे में काफी सारी चीजें भी है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है कि यूरेनियम का या और जगह नहीं बढ़ रहा है। नॉर्थ इंडिया देख लो, साउथ इंडिया देख लो, ईस्टर्न देख लो, सेंटर देख लो, मतलब चारों तरफ हर जगह यूरेनियम की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि ग्राउंड वाटर है उसको भी हम लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से हम एक्सप्लोर करते रहे तो पानी एक लिमिट के बाद खत्म हो सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो उठाने पड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैमाने हमें तैयार करने होंगे ताकि उसके मुताबिक हम काम कर सकें। अगर यूं ही हम आंख मूंद करके काम करते रहे तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे पास पानी नहीं होगा। तो बेटर यही है कि हम वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ जो भी इश्यूज हैं वाटर से रिलेटेड उनको दूर करें, और गवर्नमेंट को भी इस पर सडन स्टेप है उठाने चाहिए। तो इस आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में है। देखो काफी सारे इसके बारे में आर्टिकल आ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं, बट मुद्दा एथिकल भी हो जाता है, तो GS4 के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डायरेक्टली हो जाता है। इश्यू क्या था? तमिलनाडु का इश्यू था, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इश्यू मैंने लिए था कि तमिलनाडु में एक चीज सामने आई थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज्यादा होते हैं इंडिया में तमिलनाडु वाले हिस्से में, और इसके बाद रिपोर्ट में एक चीज सामने आई सर्वे मुताबिक कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं ना वो इंडिया के लोगों को नहीं किए जा रहे हैं मैक्सिमम, वो किए जा रहे हैं फॉरेनर्स को। अब आप खुद बताइए कि भाई इंडिया का डोनर है वो दे रहा है ऑर्गन डोनेट करने के लिए, और फिर वो ऑर्गन है वो किसी फॉरेनर को पैसे के लिए दे दिए जाते हैं, तो फिर उसका इंडिया के लोगों के लिए क्या वैल्यू रही? तो इससे तो जो डोनर है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार हम तो देंगे और जो हॉस्पिटल वगैरह वो प्राइवेट वालों को बेच देंगे, या फिर एक तरीके से फॉरेन कंट्रीज को पैसे के लिए बेचेंगे, तो हमारे तो देश के लोगों को फायदा ही नहीं मिला। तो इसलिए काफी बड़ा इश्यू सामने आ जाता है। देखो एक आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट। ये बॉडी क्या करती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट और टिश्यू ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में मेनली काम है वो करती है। तो इसके अनुसार गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है कि सबसे पहले अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो वो इंडिया के लोगों को वो दी जाएगी प्रायोरिटी, इसके बाद फॉरेनर्स को है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले फॉरेन को दो, बट अभी हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि प्राइवेट सेक्टर या बोल सकते हो हॉस्पिटल है वो पैसों के लिए जो फॉरेनर्स हैं उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो दे रहे थे। अब आप जानते हो कि अगर फॉरेनर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया आया, ट्रीटमेंट करवाया, फॉरेन चला गया, तो भाई उस ऑर्गन का इंडिया के लोगों को तो कोई महत्व ही नहीं रहा। पैसे से थोड़ी सब कुछ होता है, कुछ एथिकल नाम की चीज भी तो होती है ना। तो सबसे पहले बात यह कि इंडिया के लोगों को उस चीज की प्रायोरिटी है वो देनी चाहिए, और प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन वो नहीं हो रहा है, इसके बारे में इश्यू सामने बार बार आ रहा है। देखो जब तक प्रॉपर ट्रांसप्लांट का प्रक्रिया नहीं होगी तब तक लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो जो डोनर है वो डिमोटेड हो जाएंगे, और जब डोनर डिमोटेड हो गए तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा कि लोग डोनेट नहीं करेंगे ऑर्गन, तो उससे प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल है वो हो जाएगी। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि देखो एक थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया बता दूं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले विश्व में किया गया था 1967 में अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में किया गया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया में किया गया था 1994 में एम्स हॉस्पिटल में सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो किया गया था। देखो जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं उनकी कुछ लाइफ होती है, इस लाइफ पीरियड के अंदर ही उन्हें ट्रांसप्लांट करना होता है, अदरवाइज वो खत्म, अदरवाइज जो एक्सपायर है वो हो जाते हैं। जैसे कि हार्ट होता है उसको 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है, लीवर होता है उसे 12 से 24 घंटे के अंदर, किडनी है उसे 48 से 72 घंटे तक, मतलब किडनी है वो सबसे लंबे टाइम तक स्टोर की जा सकती है, और लंग्स हैं उनको भी 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है, अदरवाइज वो भी एक्सपायर है वो हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट बात यहाँ राइटर बता रहे हैं कि देखो इतना कम टाइम होता है तो ट्रांसपोर्ट वगैरह काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो गवर्नमेंट को इस दिशा में कदम उठाते हुए जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए इश्यूज हैं उनको सोल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसों के लिए सब कुछ करते रहे, अगर गवर्नमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर पैसों के लिए करते रहे यहाँ पे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ही बंद कर देंगे, सॉरी ऑर्गन डोनेट करना बंद कर देंगे, और अगर ऑर्गन डोनेट करना बंद हो गया तो उससे प्रॉब्लम ज्यादा विकेट है वो हो जाएगी। तो ये इस आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट जो है वो बताए गए हैं
इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ ज्यादा पॉइंट थे नहीं। उसके अलावा देखो हमने इसके बारे में काफी भी पहले 3-4 आर्टिकल डिस्कस किए हैं, उनमें हमें काफी सजेशन वगैरह थे, तो उन पॉइंट्स का भी आप यहाँ पे यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है दिल्ली और जो पेड़ काटने का जो इशू था, वो क्या इशू है सारा हम पहले तो वो समझते हैं। इश्यू ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने नई रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने के लिए 14,000 पेड़ों को काटने की परमिशन है वो दी थी। हुआ क्या इसके बाद, हुआ ये कि चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लोगों ने मना कर दिया कि भाई घर नहीं थी ऐसे माहौल में अगर आप इतने पेड़ों को काट रहे हो। आप जानते हो कि ऑलरेडी दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा लेवल पे है, पेड़ पौधे ऑलरेडी बहुत कम है, और ऐसे माहौल में अगर 14,000 पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी खतरनाक बात जाती है। पोल्यूशन ऑलरेडी वहां पे एक्सट्रीम लेवल पे रहता है, तो इसे माहौल में अगर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों की लाइवलीहुड और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर देखो बात ये की जा रही है कि ये जो पेड़ पौधे काटे जा रहे थे ये दिल्ली के उस एरिया से काटे जा रहे थे जहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं मेनली, मतलब दिल्ली में गिनी चुनी जगह ऐसी है जहाँ पे फॉरेस्ट है, और अगर उस एरिया से आप पेड़ पौधे काट दोगे, छोटे मोटे बात भी नहीं है, 14,000 पेड़ों को काटने की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो एरिया लंग्स ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं दिल्ली के, और अगर उस एरिया में ऑलरेडी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ऐसी है अगर वहाँ पे ये पेड़ भी काट दिए तो फिर होगा क्या, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा उसका क्या होगा। देखो कई बार गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम ना दूसरी जगह पेड़ लगा देंगे। अब आप एक बार बताइए, पेड़ पौधों की जरूरत तो है दिल्ली में, अगर आप लगाओगे उनको जाके तमिलनाडु में तो क्या फायदा हुआ, दिल्ली के लोगों को तो नुकसान ही हो रहा है ना। और कुछ बर्ड कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि दिल्ली के पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, तो वो स्पीसीज थोड़ी तमिलनाडु में चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस हो ही रहा है ना भाई। पेड़ लगाने से थोड़ी सोल्यूशन हो गया, आपने दिल्ली से पेड़ काट दिया आपने वहां लगा दिया तो कोई सोल्यूशन थोड़ी हो गया, बायोडाइवर्सिटी का तो नुकसान हो ही रहा है ना। देखो दिल्ली का वेदर आप जानते हो कुछ अलग है, मैं केवल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे कि दिल्ली की वेदर और क्लाइमेट सिचुएशन अलग है कम्पेयर टू अदर जगह से, और अदर सब जगह की अलग अलग होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। अब जरूर देखो हमें दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज्यादा है, और ऐसे माहौल में वहाँ पे पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काट रहे हो तो और भी ज्यादा खतरनाक बात होगी, इन्वायरमेंट का लॉस तो हो ही हो रहा है। इसके साथ ही बात करोगे आप ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है पेड़ काटेंगे तो ओबीसी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो मतलब इश्यूज कम होने की बजाय गवर्नमेंट बढ़ाने की तरफ अग्रसर करिए। इसके बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो प्रशासन और सब है वो मिली भगत से काम वो कर रहे हैं। बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने भी अपना डिसीजन दिया था लास्ट ईयर कि 7 प्रोजेक्ट थे एक्चुअली, मतलब पेड़ों को काट के वहां पे नई रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने के लिए, तो उस 7 प्रोजेक्ट में से 5 को तो एनजीटी ने भी अनुमति दी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनजीटी में भी ओबीसी गवर्नमेंट का डायरेक्टली हस्तक्षेप होता है, तो ऐसे माहौल में मतलब साफ साफ ये चीज दिख रही है किस तरीके से प्रशासन है वो पेड़ों को काटने के ऊपर तुला हुआ है। फिर बात की जा रही है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्टर है उसने भी परमिशन है वो दे दी थी इस नई कॉलोनी बनाने के लिए, मतलब सब अपने पैसों के लिए अपनी मोटी रकम लेके इस तरीके के काम है वो करते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें काफी हद तक नुकसान है वो होने वाला है। अब बात ऐसी है कि पेड़ काटने से कोई एक पोल्यूशन नहीं होने वाला कि भाई पेड़ कट गए तो एनवायरमेंट, इससे एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन भी ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, मतलब समस्याएं कम नहीं होंगी समस्याएं बट हो जाएंगी। तो ये ऐसी समस्या यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई जा रही है कि देखो इस तरीके इसीलिए क्या हुआ चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हो, लोगों ने शुरू कर दिया कि नहीं भाई पेड़ है वो नहीं काटने, रेजिडेंशियल कॉलोनी वगैरह नहीं बनानी है, तो उसका दबी स्टे वगैरह लगा दिया गया। तो ये सारा कंप्लीट आर्टिकल था, दो जो पॉइंट्स थे इसमें वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। जो एक आर्टिकल था टर्की वाला, इसमें देखो मैपिंग इंपॉर्टेंट थी वो तो हमने कल डिस्कस कर ली थी कि जैसे टर्की का मैक्सिमम हिस्सा वो एशिया वाले में आता है और थोड़ा सा जो हिस्सा वो आता है यूरोप में। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात ये बताई गई है कि देखो टर्की है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, बट अभी आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन की हालत उसमें डामाडोल हो गई है, तो ऐसे माहौल में टर्की ने ये प्लान तो कैंसिल कर दिया। और इसी के साथ ही अभी जो वहाँ पे अर्दगन साहब हैं वो जीत गए हैं, और जीतने के बाद वो खैर झंडा तो डेमोक्रेसी का फहरा है कि देखो हम डेमोक्रेसी को ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअली में वो डिक्टेटरशिप हैं वो बनते जा रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी का गला है वो घोट रहे हैं और डिक्टेटरशिप की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सारी पावर ऑलरेडी अपने सेंट्रल अपने पास कर ली है, इसके अलावा जो भी अपोजिशन के लीडर या जो भी और लोग थे अपोजिशन के उनको ऑलरेडी जेलों में उसने उन्होंने डाल रखा है, तो मतलब वहाँ पे सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल होते जा रही है धीरे धीरे। आपको पता है कि टर्की वो नाटो का ऑलरेडी मेंबर है, इसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज का वो काफी विरोध भी करता है, तो मतलब हालात वहाँ पे ऐसे होने वाले हैं कि देखा जाए तो डिक्टेटरशिप का माहौल और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके बाद में साइप्रस का इश्यू थोड़ा देखो आपको बता देता हूँ कि साइप्रस का इश्यू क्या है। देखो एक सेकेंड, अभी मैप तो मेरे पास नहीं है, जैसे आप भागिए हमारा था टर्की, टर्की के नीचे आपको पता है मेडिटेरेनियन सी में एक छोटी सी कंट्रीज का नाम है साइप्रस। साइप्रस क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ साइप्रस है ना उसको तो रूल करता है टर्की, और साउथ साइप्रस है वो अलग से है। तो आपको बताया कि साइप्रस के साथ इंडिया की रिलेशन ठीक है, मतलब कि जो साउथ साइप्रस है इसके साथ, नॉर्मली इसको साइप्रस के नाम से जानते हैं साउथ साइप्रस को, इसके साथ इंडिया के रिलेशन ठीक ठाक है और इंडिया के साथ इसके बातचीत भी होती रहती है। तो साइप्रस ने इंडिया को कहा कि भाई देखो आप आइए और हमारा जो मुद्दा है इसको सुलझाने की पूरी कोशिश कीजिए, तो इंडिया जो ही टर्की से बातचीत करने की कोशिश करता है कि देखो भाई ऐसे ऐसे है, तो टर्की मार्च से क्या करते हैं
तुरंत जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान का इशू लेते हैं कि देखो आपने ये कर रखा, पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर को आपने ऑक्यूपाइड कर रखा, ये वगैरह वो, मतलब कहीं ना कहीं शांति बैठने की वजह मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है, ऐसा सीन कुछ इशू है वहां पे चल रहा है। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो जिस तरीके से ट्रंप महाशय का जो रोल आजकल चल रहा है, और किम जोंग का आपने देखा था नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब का जो माहौल चल रहा है, मतलब पूरे विश्व में एक तरीके से अनस्टेबिलिटी खलबली तो पहले से ही मची हुई है, और ऐसे माहौल में टर्की के जो अर्दगन साहब हैं अगर वो भी डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर पर इफेक्ट वो पड़ने वाला ही वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी कमजोर हो गया है। इसके साथ ही अगर ऐसे माहौल में ये हालात रहे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर उस पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और तरीके से पूरा विश्व वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये थे इस आर्टिकल कंप्लीट पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।